Hello everyone, so welcome back to my new vlog and I hope you are doing well. So guys, Fab Sister आ चुकी है आपको inform करने मुरादाबाद में न्यू कैफे. मुरादाबाद में न्यू कैफे ओपन हुआ है जिसका नाम है गुम्बद कैफे. हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं, आपको फुल एक्सप्लोर करवाते हैं वो कैफे कैसा है, उसका मेन्यू, फूड, प्राइस, एक्स वाई जेड. सो चलो चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो. फ्रूडियम सेम सेम है ये. देखो मैंने भी पिंक पिंक लगाई है और फ्रूटी ने भी पिंक, मतलब मैं ये लगा रही हूं. हमारा मैच हो रहा है, हम लोगों ने एकदम ग्रे जीन्स पहनी है देखो, और हमारी मैचिंग की. आप बताना मैं क्या पहन, कौन सी पिन लगाऊं इनमें से. पिंक सही है, पिंक पिंक वो भी है, बहुत सारे हार्ड भी है ये देखो. हे गाइस, हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ आ चुकी है हमारी थर्ड पर्सन मिस क्यूरी. तो मेरे और गाइस हमने वो चेंज कर दिया, दीदी ने दोनों पिंस लगा ली, मुझे दीदी तो मैंने दूसरी लगा. सो गाइस, मैं और फ्रूटी हो चुके हैं मैचिंग, आशी भी मैच हो रही है हमसे, ब्लैक ब्लैक है हम लोग. बस हमारे पे ट्रैवल है, बाकी तो हमारी ब्लैक ही है. सो गाइस, हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि हाई स्ट्रीट. सो गाइस, ये बिल्कुल ऊपर है थर्ड फ्लोर पर. गाइस, हम लोगों को क्रेविंग हो रही थी बहुत दिनों से अरेबिक फूड खाने की, तो हम लोग आ गए गुम्बद कैफे जो कि अभी न्यू ओपन हुआ है हाई स्ट्रीट, और वो है थर्ड फ्लोर पे. सो हम लोग सबसे पहले चलते हैं लिफ्ट से ऊपर गुम्बद कैफे में, यम्मी यम्मी फूड खाने अपने क्रेविंग को मिटाने के लिए. तो लेट्स गो. आते ही आपको देखिए एकदम मैट, अलग ही वाइब आ रही है, एकदम मस्त. सो गाइस, वहां से हमने एंट्री दी थी और आप यहाँ का पूरा इंटीरियर देख सकते हैं, मस्त. ये हम हमारी सिस्टर बैठ चुकी है विश्राम पोजीशन में और मजे ले रही हैं. कैसी दीदी, दीदी देखो यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है, और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है हाई स्ट्रीट. यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बहुत मस्त क्लिक होंगे एकदम स्थैटिक से. सो गाइज, यहाँ का पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, ये बाहर का सेटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है. और ये दोनों कितने मज़े ले रही हैं अपने व्यूज़ के और स्नैप वगैरह बना रही हैं. हाँ, तो बहुत प्यारी पिक्स आने वाली है सीरियसली, कंफर्टेबल सोफ़ा के साथ. और ये देख सकते हैं आप, थीम बहुत प्यारी है. और तो गाइस, ये पूरा बाहर का व्यू था जो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सीरियसली. इनको मस्त फोटोशूट करवाने में लगी हुई है, इनको बहुत प्यारी लोकेशन लग रही है, तो इन्होंने देखो लगी हुई है करवा ले फोटो क्लिक. सो गाइज, ये बाहर का फुल सेटिंग अरेंजमेंट है, आप अंदर का भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और ये बाहर का है, तो आप बताना आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा. जैसे कि आपको व्यू देखना है यहाँ बाहर का और रात में डिनर करना है मस्त, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल. गाइस, मुझे यहाँ की डेकोरेशन एंड थीम बहुत प्यारी लगी है, जो लैम्प से टंगे हैं बहुत प्रीटी लग रहे हैं. आप अब टेरिस पे आप लोग फोटो शूट कराओगे तो एक नंबर आने वाले, बहुत औसम आएंगे. कह रही है मेरी बारी है, मेरे पिक्स वगैरह क्लिक कर दो. हाँ, इतनी अच्छी जगह है, लुक एकदम. सेटिंग अरेंजमेंट, बट हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो हम अंदर आ गए, और अंदर आकर सीरियसली मुझे तो एकदम महारानी वाली फीलिंग आ रही है, और समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर बैठूँ मैं, इतना प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट है. ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं एकदम रॉयल, सुंदर लग रहा है बहुत ही. और एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लुक इट गाइस, कितना ब्यूटीफुल है एकदम, झूमर वूमर बहुत प्यारा. सो गाइज, आप यहाँ पे पार्टीज़ कर सकते हैं, किटी पार्टीज़ हो गया फैमिली फंक्शन के लिए एंड फैमिली डिनर के लिए, तो ये बहुत प्रीमियम और लग्जरी वाइब्स आएंगी आपको. आप देख सकते हैं ये, लुक इट.
लुक एट दिस गाइस, सीरियसली अमेजिंग। यहाँ पे सारी थीम देखिए कैसे कारपेट टाइप से, और आप ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। काफ़ी सारे कैबिन बने हुए हैं गाइस, जैसे कि ये प्रीमियम एक हो गया, ये बैठे एक उधर हो गया सेकंड, और ये पूरा ओपन है अपना मस्त, और टू पार्ट्स ही हो गए गाइस कैबिन टाइप से अपने सेपरेट, आप देख सकते हैं बहुत एकदम नीट एंड क्लीन, और बहुत मस्त वाइब आ रही है यहाँ पर। अच्छी फीलिंग आ रही है, मस्त आ रही है, रॉयल वाली फीलिंग आ रही है गाइस। हमारा वाटर आ चुका है, पी लो, थक गई तुम लोग, बहुत दूर से आई हो ना। मेन्यू, सो गाइस ये आ चुकी है, और यहाँ पे ये मेन्यू चेक कर रही है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे ये स्नैप बना रही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वैरायटी है। सो एवरीवन, ये है फुल मेन्यू गुम्बद कैफे का, जिसको भी देखना है वो पॉज करके देख लेना। बोल दिया, अभी हम लोगों का फूड आने वाला है, जिसको हम टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फ्रूटी यहाँ पे फूड का वेट कर रहे हैं कि वाशी फ्रूटी हटके होगा यहाँ पे फूड, और हम ट्राई करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे जरूर। और ये लोग देखो कैसे अपना प्लेटिंग व्लेटिंग लेके बैठ चुके हैं, अभी फूड का ही वेट चल रहा है बस। मैंने तो कभी ट्राई नहीं करा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अरेबियन फूड ट्राई करने के लिए, आई एम सो एक्साइटेड, और बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है खाने में। सो गाइस यहाँ पे नॉन अल्कोहल का है पूरा, मॉकटेल एरिया है पूरा। गाइस हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और हम लोग एकदम मस्त बैठ चुके हैं, हम लोगों का फूड आ रहा है, और यहाँ पे आप साउंड देख सकते हैं, एकदम अरेबियन साउंड चल रहा है, जो समझ में तो नहीं आ रहा है, पर बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर मुझे, और वाइब भी अलग आ रही है सीरियसली। हमने मुरादाबाद में कुछ ऐसा ओपन हुआ था, आपको भी एक बार आना ही चाहिए एटलीस्ट। ये यहाँ आई है, बहुत अच्छी, ऐसा आशी बोल रही है जरूर। गाइस यहाँ का क्यूट सा एकदम सेटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे सबसे प्यारा लग रहा है ये, जो हमारे पीतल टाइप से, आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे, ब्यूटीफुल एकदम। और गाइस वो भी है जो वो था, हाँ वाह कितने क्यूट क्यूट है, चाय की केतली वो है ना, इससे चीयर्स करो दीदी आप, चलो चीयर्स। आज आशी चीयर्स, ये पानदान है, फ्रूटी चाय ले लीजिए, थैंक यू सो मच, पी लीजिए बोरी की इतनी यम्मी है, यम्मी है। गाइस स्क्रीन देख सकते हैं आप, मस्त का मैच भी देख सकते हैं। सो गाइस हम यहाँ बैठे हुए थे कुछ देर के लिए, तो दी को मस्ती सूझ गई, ये अपनी कर रही है, मजा आ रहा है गाइस, सच में बहुत अच्छा है। हम लोगों का फूड आ चुका है, अभी हम दिखाते हैं, ये हमारा फूड आ चुका है गाइस। तो गाइस हम लोगों का आ चुका है हम्मस, हमारी यम्मी से आ चुके ड्रम्स ऑफ हेवंस, ये देख सकते हैं आप कितने डिलीशियस एंड यम्मी लग रहे हो, माय गॉड आप सबके मुंह में भी पानी आ गया होगा ना इसे देख के यार, कितना यम्मी है। सो गाइस ये ब्रेड है बेसिकली, और ये जो है ये है चना, लुक इट, देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अभी इसे टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। सो गाइस हमारा चिकन बर्गर भी आ चुका है, तो गाइस हमारा अमेजिंग डिलीशियस फूड आ चुका है, जिसे हम टेस्ट करके बताते हैं। ओ मेरे फेवरेट मोमोज आ गए, मोमोज मोमोज गाइस मोमोज आ गए, यम्मी, जिसका मुझे था इंतजार वो मेरी बिरयानी आ चुकी है। इस बिरयानी से यम्मी So guys, हमारे मॉकटेल्स आ चुके हैं, ये सनराइज है, मार्डनी, मार्डनी, और नेक्स्ट ये वाटरमेलन, वाटरमेलन बेरी ब्लास्ट ओके। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी मॉकटेल्स जो है टेस्ट करते हैं, ऐसे तो पीते भी नहीं है, थोड़ी खट्टी खट्टी सी है, कुकुम्बर का टेस्ट आ रहा है मेरे में तो सीरियसली, और थोड़ा सा कुकुम्बर का ही आ रहा है।
काफ़ी अच्छी है टेस्ट। कैसी है तेरी? सब गाइस, मेरे वाली का टेस्ट थोड़ा कुकुम्बर जैसा था और फ्रूटी का बैरी और इसका वाटरमेलन है ही, थोड़ा मिंट जैसी आ रही है। यम्मी है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ की स्पेशल डिश, मेरी स्किन अच्छी रहेगी। किसका टेस्ट कर रही है, कैसा टेस्ट लग रहा है? दोनों ही कर रही है फिलहाल। कैसा टेस्ट है इस डिश का? पता है इसका कैसा टेस्ट है? कैसा है बताओ? यम्मी है बहुत। थोड़ा तो आइडिया दे। थोड़ा छोले कुलचे, थोड़ा टाइप स्वीट सा है, मीठा मीठा सा, मतलब छोले कुलचे वाला थोड़ा टेस्ट आ रहा है। बहुत यम्मी है, बट यम्मी है। तो सो गाइस, मैं अभी इसको टेस्ट करती हूं। लो, कुछ अलग है। जो भी है खाने में अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं चल रहा कि मतलब क्या खा रही हूँ कुछ भी, पर खाने में इसमें जो चर्च में चने का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और इसमें चिकन के वो पड़े छोटे छोटे पीसेस, वो भी बहुत यम्मी लग रहा है। बहुत यम्मी लग रहा है इस ब्रेड के साथ ना, जो कॉम्बिनेशन है बहुत यूनिक है, एकदम अलग लेवल। बाकी हमारे मोमोज, डिमसिम, इतना सारा फूड है गाइस, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से टेस्ट करें हम। सो अभी हम लोग मोमोज टेस्ट करते हैं। फ्रूटी ने कितने अच्छे से देखे सर्व किया है, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे लगे। बताओ मोमोज कैसे हैं फ्रूटी जी? सबसे पहले से तोड़ के दिखाइए। यम्मी यम्मी, ओह माय गॉड, एकदम जूसी जूसी चिकन है गाइस इसके अंदर, एकदम यम्मी। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। मेयोनीज चटनी, मेयो चटनी, सारी सॉसेस, और अब जाएंगी फ्रूटी के मुंह में। अमेजिंग, मज़ा आ गया, जूसी एकदम, चिकन का फ्लेवर जूसी जूसी, बहुत यम्मी हो रखे हैं, बहुत यम्मी है। सीरियसली मुझे भी टेस्ट करा दो। की करेंगे अब ये, चलो आशी टेस्ट करके बताओ कैसा है। जो तंगड़ी उठाओ और खाओ बिरयानी। अब आशी भी अपनी प्लेटिंग लगा रही है, देखिए कितने अच्छे से सजा रही है। बिरयानी फाइनली टेस्ट कर रही है। ये चिकन वगैरह बहुत कम खाती थी, उन्हें चावल चावल मतलब राइस राइस लिए एकदम, और अब ये बाइट ले, अपनी बाइट बना रही है अच्छे से प्याज रख के। गाइस मैं खाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, यहाँ की लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते हैं। बताइए कैसी है बिरयानी, मम्मी जैसी है? ये तो सेम मम्मी जैसी है, सेम मम्मी जैसी से टेस्ट है। बहुत टेस्ट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्ट है। चलो और उसके बाद हम लोग ये होगा टेस्ट, फ्रूटी टेस्ट कर रहे हो। ओह माय गॉड, क्या करा तुमने? रायता खाती हूँ ना मैं, तो गाइस मैं ये टेस्ट करने वाली चिकन लॉलीपॉप को, देखते हैं कैसा होता है। रोस्टेड है, मुझे तेरे को देख के पानी आ रहा है मुंह में, चिली पटाटो जिसको मुझे देख पानी आ रहा है, जल्दी से आ जाओ गुम्मत कैफे, बहुत मस्त हो रहा है सच में, बहुत मस्त हो रहा है। अब मैं वो ट्राई करूँगी। या रोस्टेड गाइस, सीरियसली इतना सारा फूड आइटम, इतना सारा था, हर एक चीज़ का अपना अलग टेस्ट है, और सारी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट हैं जैसे बोल सकते हैं। आशिया बिरयानी के मजे ले रही है, आशिया बिरयानी के मजे ले रही गाइस। यहाँ पर आ सकते हैं, और मैं आपको एक बात तो ज़रूर बोलूँगी, अगर आप यहाँ पे आए तो हमस तो ज़रूर ही ट्राई करें, क्योंकि उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल, मुझे बहुत टेस्टी लगा सीरियसली। फ्रूटी के अकॉर्डिंग फ्रूटी सबसे टेस्टी क्या लगा? बहुत अच्छा था हमस, बहुत ही यम्मी था, एकदम यूनिक चीज़ थी, अरेबियन डिश थी, तो हमें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी लगी, हमें अच्छी लगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और हम लोग बहुत जगह जाते तो हमें बिरयानी का टेस्ट वो वाला नहीं मिलता घर जैसी, जो मम्मी वाली होती जो टेस्ट होता है, और यहाँ की बिरयानी खा के एक नंबर है, एक नंबर यम्मी है। मैं दिखाती हूँ, बहुत ही यम्मी है। जो मैंने चिकन डिमसम ट्राई किया था, मोमोज, वो बहुत टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, यम्मी है बिरयानी। गाइस मैं इतना कुछ ज़्यादा वैसे खाती नहीं हूँ, बट मैंने बिरयानी टेस्ट की, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मम्मी जैसा टेस्ट था, इसलिए मैंने बिरयानी टेस्ट की और मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइस हमारे यहाँ पे हो चुका है डन, आशी फ्रूटी की प्लेटें देखो एकदम चटाक, एकदम छक्कास हो गए, इन्हें बिरयानी इतनी अच्छी लगी, और ये सारा माल पानी गाइस। यम्मी था फूड, बहुत यम्मी था यार। डिनर हो चुका है डन, और अब बारी है क्लीनिंग की। गाइज हमारा माउथ फ्रेशनर आ चुका है, हमारा हो चुका है फिनिश अब डिनर, उसके बाद हम लोग ये खाते हैं। कैसा है ये, अबे दिखाती तो कैसा है।
गाइस हमारा ऑलमोस्ट डिनर हो चुका है डन, हमें टच का लगा तो हमने पैक भी करा दिया है, इसके बाद हम चलते हैं बाहर। कंटेंट लुक अंदर का डिजाइन तो बहुत मस्त है, एकदम रॉयल फील आ रही है कि कहीं की महारानी हम रानी हो। बहुत मस्त खाने के साथ साथ डेकोरेशन एंड थीम भी बहुत बहुत प्यारी है। हमने खा पी लिया है और पार्टी होती है हमारी खत्म ओवर, और बहुत ही अम्मी लगा सब कुछ बहुत सीरियसली गाइस, हमारी बिरयानी तो डिलीशियस थी, बिरयानी तो मुझे बहुत अच्छी। तो गाइस हमें तो बहुत अच्छा लगा अरेबिक फूड, और हम लोगों ने बहुत फन मस्ती करी, इंजॉय किया अपना फूड भी इंजॉय किया अच्छे से, और हम जा रहे घर। गाइस हम लोग अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज आप लोग हम लोगों को ऐसे प्यार दीजिए, आप हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू।